नमस्कार, साहित्य तज्ञ बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है जगन्नाथ का घोड़ा। रचनाकार हैं रविंद्र भारती। रविंद्र भारती जाने माने साहित्यकार हैं। उनकी जो प्रकाशित कृतियाँ हैं उनमें जड़ों की आखिरी पकड़ तक, धूप के और करीब, यह मेरा ही अंश है, नचनिया, नाभिनाल, ये कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा कंपनी उस्ताद, फुकन का सुथन्ना, जनवासा और अगिनतिरिया और कौवा हकनी, ये नाटक उनके प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कृतियाँ बहुत सारी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। कौवा हकनी नाटक पर फिल्म भी बन चुकी है और भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप उनको मिल चुकी है। वे जीवन के विविध जो क्षेत्र हैं उनकी कविताएं उनको उठाती हैं, चाहे वे छोटी चीज़ें हों, चाहे बड़ी चीज़ें हों, चाहे जीवन में आने वाले अवसर हों। कविता संग्रहों पर मैं बजाय अपनी राय देने के मैं कविताएं सुनाता हूं किसी भी संकलन से, कुल 4 कविताएं, ताकि आप खुद यह निर्णय कर सकें कि किसी कवि विशेष ने किस तरह की कविता सृजित की है और उन कविताओं को आपको उस संकलन को क्यों खरीद कर पढ़ना चाहिए। लिखावट, यह कविता है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस संग्रह से, जिसका नाम है जगन्नाथ का घोड़ा। पहाड़ पर आई है पहाड़ के लोग, रेल से जा रहे हैं पहाड़ देखने। अच्छा बताओ, पहाड़ जहाँ स्थापित किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? अटपटा सा लगा सुनकर बच्चे को समझाया कि पहाड़ अचल है, वे पृथ्वी के प्रथम नागरिकों में हैं। हरितिमा को उन्होंने प्रोत्साहित किया, नीचे से ऊपर उठने में नदियों को जन्म दिया और अपने झरनों से सुनाते आ रहे हैं संगीत। आदिकाल से बिना किए अंधेरे उजाले का भेद, कैसा मनोरम दृश्य होता है उपस्थित जब उनके कंधे पर बादल और पंछी एक साथ विराजते हैं उछाह से भरे। यह सुनकर वह हंसा जैसे मैं पिछली शताब्दी का इंसान हूं। धीरे से उसने कॉपी मेरे आगे बढ़ा दी, कहा, लिख कर दिखाओ, देख कर पहाड़ और मैं पहाड़ की लिखावट भूल गया। यह किस तरह की विडंबना है, पहाड़ों के साथ हम क्या कर रहे हैं, कवि शायद उसको प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है इस कविता में। पास की दूरी, ये इस कविता का शीर्षक है। इस बार भी उन्होंने दिखलाया प्रेम की तरह प्रेम, अपनीपन की तरह अपनापन, विश्वास की तरह विश्वास। इस बार भी पास में आकर बैठ गए थोड़ी देर, आदमी की तरह आदमी होकर। मैं उन्हें देखता रहा, वे जहां थे वहां से और चले गए दूर। पास रहकर इतनी दूर पहुंच गए कि मेरी पहुंच के बाहर था उन्हें छुपाना। इस बार भी दिखा नहीं मेरा प्रेम प्रेम की तरह, अपनापन अपनेपन की तरह, विश्वास विश्वास की तरह। जैसा था वैसा ही रहा आंखों में लिए उत्सुकता। इस बार भी मैं दिखा नहीं आदमी की तरह, आदमी ही रहा। इस बार भी उनके हाथों में लिए हाथ। अगली जो मैं कविता इस संकलन से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है अनुपस्थिति की उपस्थित। अनुपस्थित की उपस्थित। दृश्य में वे नहीं है गदाधर ठाकुर, उनकी रहन कमरे में कर रही है वास। सुबह शाम बदली जा रही है बिछावन की चादरें, मसहरी उठाई गिराई जा रही है, सिरहाने पानी रखा जा रहा है, किताबों को दिखाई जा रही है धूप। दृश्य में कोई नहीं है, अदृश्य में रचना का दृश्य है। हाँ, उसी के सानिध्य में बैठे हैं यहाँ कुछ लोग, उनके मौन में कमरे की रहन का वक्तव्य हो रहा है लिपिबद्ध। दृश्य में कोई नहीं है, दृश्य में जो नहीं है उसे मैं बाँचता हूँ। अनुपस्थित की उपस्थिति में उतर कर। और इस संकलन की जो आखिरी कविता है और मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली चौथी कविता, उसका शीर्षक है किसी की चाह।
आज फिर एक बच्चे के गुब्बारे का धागा बना उसकी उंगली के इशारे पर नाचता रहा। अंधेरे में घर का पल्ला खुला, 70 जंगलों को कर के पार आई फगुनी हवा। आज फिर मुग्ध होकर सुनता रहा मन के भीतर मेघों की जुगलबंदी। एक जर्रा आंखें भिगोया फिर उड़ गया, कुछ मुलाकातें याद आई, कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। आज फिर किसी चाह में तीतर बना, हारिल बना, सारस बना। बेहद उम्दा कविताएं हैं। रविंद्र भारती इसके रचनाकार हैं। जगन्नाथ का घोड़ा संग्रह का नाम है। राजकमल पेपरबैक्स या राजकमल प्रकाशन समूह के सहयोगी उपक्रम राधा कृष्ण प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। इसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 395 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताओं के अच्छी कविताओं को सुनने की इच्छा रखते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन कविताओं के साथ साहित्य तक पर ही उपस्थित होते हैं। आज की कविता में आप उनके कार्यक्रम को सुन सकते हैं। उनके पठन और पाठ की शैली भी अद्भुत है। कविताओं के संग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार ठीक इसी समय मैं बुक कैफे के एक दिन एक किताब में किसी कविता संग्रह पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूँ। पुस्तकों के शौकीन हैं तो सोमवार से शनिवार तक हमारे इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। इसी समय मैं किसी एक पुस्तक की चर्चा हर दिन करता हूँ और रविवार को आपके किसी एक प्रिय लेखक के साथ उसके जीवन कर्म पर या उसकी किसी एक कृति पर बातचीत करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।